दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने साल 2006 में पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली में कहे तो पूरे इंडिया में अपने खतरनाक हरकतों से सबके दिलों में खौफ डाल दिया था। और ऐसा खौफ जिसकी वजह से पेरेंट अपने बच्चों को घर से बाहर भी सावधानी से भेजा करते थे। क्या था ये मामला, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज चौरे एंड यू वॉचिंग इंटरनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, निठारी कांड। ये साल 2006 के दिसंबर का महीना था जब कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह टीवी के हर न्यूज चैनल पर अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे नोएडा के एक बड़े से घर के पीछे से प्लास्टिक बैग में ह्यूमन स्केलेटन बरामद होते हैं। अब ऑफकोर्स अर्ली मॉर्निंग में आपको इस तरह की न्यूज देखने को मिलेगी तो ज्यादातर लोगों का दिल सहम जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको निठारी हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी दूं, आप ये जान लीजिए कि इस कहानी में यहाँ निठारी किसी आदमी का नाम नहीं बल्कि ये नाम नोएडा में बसे एक विलेज का है जहाँ ये कांड हुआ था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से, जब नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी विलेज से अचानक बच्चे और औरतें अनजाने तरीके से गायब होने लगते हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मोनिंदर सिंह नाम के एक शख्स ने अपने नोएडा के D5 बंगलों को संभालने के लिए एक केयर टेकर रखा। उस केयर टेकर का नाम था सुरेंद्र कोहली। अब बंगलों के मालिक सुरेंद्र कोहली अक्सर चंडीगढ़ में रहा करते थे तो ऐसे में उनके नोएडा के बंगलों की कोई केयर करे, इसके लिए उन्होंने सुरेंद्र कोहली नाम के शख्स को एज अ केयर टेकर के तौर पर रखा, जिसके कुछ समय बाद उस एरिया से बच्चे और औरतें अचानक से गायब होने लगे। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और फिर आता है साल 2005, जब फरवरी के महीने में एक 14 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट नियर बाय पुलिस स्टेशन में अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, बट करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की वजह से उनकी डॉटर की मिसिंग FIR दर्ज नहीं की जाती और ये मामला यहीं पर दब जाता है। फिर एक महीने बाद मार्च 2005, कुछ बच्चे उसी D5 बंगलों के आसपास कहीं क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिसमें खेल के दौरान बच्चों को बंगलों के पीछे बने ड्रेनेज में प्लास्टिक बैग में पैक्ड ह्यूमन हैंड्स मिले, जिसकी खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वालों ने इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी जानवर के शरीर का अंग है। और एक बार फिर से करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से ये केस यहीं पर ठंडा पड़ गया। अब आता है साल 2006 मई का महीना, जब पायल नाम की लड़की ने अपने पिता नंदलाल को यह बताया कि वो मोनिंदर सिंह के बंगलों की तरफ जॉब के सिलसिले में जा रही है, पर जब काफी देर होने पर भी पायल वापस नहीं आई तो उसके पिता ने मोनिंदर सिंह के D5 बंगलों में जाकर सुरेंद्र कोहली से अपनी बेटी पायल के बारे में पूछताछ की तो सुरेंद्र कोहली ने इस बारे में जानकारी होने से मना कर दिया, जिसके बाद नंदलाल अपनी बेटी की मिसिंग FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, पर एक बार फिर से करप्ट पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। एक महीने तक जब दुखी पिता पुलिस और बंगलों के चक्कर काट काट कर थक गया तो आखिर में डेविस्टेटेड एंड होपलेस पिता ने नोएडा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SSP का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद SSP के ऑर्डर पर पायल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और छानबीन तुरंत शुरू हो गई। और यहीं से आता है कहानी में एक नया मोड़। छानबीन के दौरान ये पता चला कि पायल का फोन अब भी ऑन है एंड इवन समवन स्टिल यूजिंग इट। जब पुलिस ने पायल के फोन को ट्रेस करा तो उसका लोकेशन वही मोहिंदर सिंह के D5 बंगलों का बता रहा था, जहाँ के बारे में पायल ने जाने से पहले अपने पिता को बताया था। अब पुलिस ने जब पायल के फोन के कॉल डिटेल को चेक करा तो पता चला कि पायल के गायब होने से पहले सुरेंद्र कोहली ने उसे कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट किया गया। बट बंगलों के मालिक मोनिंदर सिंह पांदर ने सुरेंद्र की जमानत करवा दी इससे पहले कि पुलिस को सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कोई एविडेंस मिले। पुलिस की इस थकी हुई इन्वेस्टिगेशन से परेशान नंदलाल जी ने 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट में केस फाइल करा, जिसके बिना पर कोर्ट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मोनिंदर सिंह के D5 बंगलों के पीछे बने ड्रेनेज से कई सारे ह्यूमन स्केलेटन प्लास्टिक बैग में बंधे मिले, जिसके बाद 29 दिसंबर को पुलिस मकान मालिक मोनिंदर सिंह पांदर और केयर टेकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन पुलिस को खुदाई में इसी तरह के कई प्लास्टिक बैग में ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, पर फिर भी इससे ये साबित नहीं होता कि ये मर्डर सुरेंद्र कोहली और मकान मालिक मोनिंदर सिंह ने किए हैं। पर जो भी हो, नोएडा में अचानक इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन मिलने से ये एक सेंसेशनल खबर बन गई और देखते ही देखते टीवी के हर न्यूज चैनल पर यही खबर आने लगी, जिससे पूरा भारत दंग रह गया था। अब पायल केस के इन्वेस्टिगेशन से निठारी गांव से अब तक लापता हुए बच्चों और टीनेजर्स के बारे में पता चलने लगा। फिर आता है नया साल, जब 11 जनवरी 2007 को UP गवर्नमेंट ये केस CBI को सौंप देती है, जिसके बाद 27 फरवरी 2007 को कोहली का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। अब कोहली कन्फेशन के दौरान ये बताता है कि कैसे उसने 9 फीमेल चिल्ड्रन, 2 मेल चिल्ड्रन एंड 5 अडल्ट वीमेन्स को लालच देकर बंगलों में बुलाया, इसके बाद वो उनकी हत्या करके उनके शरीर से सबसे पहले तो शारीरिक संबंध बनाता और बाद में शरीर को काट कर खा जाया करता था और बाकी बचे अंग को प्लास्टिक बैग में डालकर बंगलों के पीछे ड्रेनेज में फेंका था। अब दोस्तों, इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि सुरेंद्र कोहली का मेंटल लेवल एकदम खराब था, मतलब सुरेंद्र कोहली मेंटली इल था
जिस वजह से वो समय समय पर किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। अब कोहली ये हत्याएं ज्यादातर सुबह के 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच करता था, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इन सब के बावजूद किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इस केस के दौरान 3 जनवरी 2007 को एसएसपी पीयूष मोरिदिया, एसपी ऑफ नोएडा समित्र यादव, फॉर्मर सर्कल ऑफिसर सेवक राम यादव एंड 6 सब इंस्पेक्टर वर्स डिसमिस्ड। अब आता है 24 जुलाई 2017। अब ये वो दिन था जब कोहली द सीरियल किलर को फांसी पर लटकाया गया, हैंग अंटिल डेथ। और इस तरह से खत्म होती है एक सीरियल किलर की जिंदगी की भयानक कहानी। अब ये घटना इतनी हॉरिफाइंग थी कि उस समय पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर ज्यादा देर तक खेलने भी नहीं देते थे, फिर चाहे भरी दोपहर ही क्यों ना हो। इस घटना ने देश भर के सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की सुरक्षा की तरफ पहले से ज्यादा सचेत कर दिया था। वेल, अब ये मामला उस वक्त ही शॉर्ट आउट हो जाता जब 2005 में एक पिता ने अपनी 14 साल की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाने आए थे। तब अगर पुलिस ने इस मामले में अपना आलसीपन ना दिखाया होता तो ये निठारी केस उसी वक्त सॉल्व हो चुका होता और इतने बच्चों की जान नहीं गई होती। दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताना। अभी आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।